बात करेंगे कांग्रेसी नेता शशि थरूर की, जिन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है और बीजेपी पर हमला बोला है। शशि थरूर ने कहा है 2019 में अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर हिंदू पाकिस्तान बनने जैसे हालात भारत में पैदा कर देंगे। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक कार्यक्रम में शशि थरूर ने कहा कि 2019 में बीजेपी जीती तो वो नया संविधान लिखेगी जो भारत को पाकिस्तान जैसे मुल्क में बदलने का रास्ता साफ करेगा, जहां अल्पसंख्यकों के अधिकारों का कोई सम्मान नहीं होता है। तो शशि थरूर ने बहुत बड़ा हमला बोला है बीजेपी पर और कहा कि 2019 में अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। तो शशि थरूर ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है, कहा है कि अगर 2019 में बीजेपी जीती तो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा भारत। शशि थरूर को बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि थरूर ने देश और हिंदुओं का अपमान किया है। बीजेपी जो है वो कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग कर रही है, सीधे राहुल गांधी से माफी की मांग की जा रही है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा जी भी जुड़ रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है, ये जो आपने अभी बयान सुना शशि थरूर का, उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी जीत जाती है 2019 में तो फिर भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? शशि थरूर का इतिहास बहुत कमजोर है। जब भारत का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के समय एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठा था कि हिंदू और मुसलमानों का पॉपुलेशन एक्सचेंज हो जाए। उस वक्त भारत की सभी राजनीतिक दलों ने, हिंदू महासभा से लेकर कांग्रेस पार्टी तक ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, सभी लोगों ने एक मत से कहा था एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन नहीं होगा। भारत एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट के रूप में स्थापित एक सामूहिक चेतना के आधार पर हुआ। हमने उस सिद्धांत को रिजेक्ट किया। अब जनादेश के कारण आपके मनोनुकूल जनादेश नहीं मिल रहा है, इससे भारत के जनतांत्रिक चरित्र का की अवहेलना करना, अपमान करना, ये कांग्रेस की आदत बन गई है। और शशि थरूर ने जो किया है वह वास्तव में भारत की आत्मा के साथ एक बड़ा अन्याय किया है। भारत की आत्मा ने कभी भी भारत के मूल पिंड में कभी भी क्रिटिक स्टेट यानी धर्म राज्य संप्रदाय की राज्य की कल्पना की भी नहीं जा सकती है। एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए पाकिस्तान लगातार थियोक्रेटिक स्टेट की तरफ बढ़ता गया, इस्लामिक रिपब्लिक घोषित किया गया, वहाँ जनतंत्र को लाने की जितनी कोशिश हुई नाकामयाब रही। लेकिन भारत में जब जब जनतांत्रिक परिवर्तन हुआ, 1977 में हुआ, 1989 में हुआ, तब कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस प्रकार के आरोप नहीं लगाए। आज यह आरोप इसलिए लग रहा है कि भारत की जो विरासत है, उस विरासत को सामने लाने की जो कोशिश हो रही है वह कांग्रेस के मूल सिद्धांत के प्रतिकूल जा रही है। आज के कांग्रेस के मूल सिद्धांत, एक छोटी सी बात मैं यहाँ जोड़ दूँ, जिस कांग्रेस ने राम सेतु के ऊपर कहा था भगवान राम एक मिथ है, जिस कांग्रेस ने राम जन्मभूमि के मुद्दे पर बाबरी मस्जिद के साथ खड़ी नहीं, लेकिन ये भी तो राकेश सिन्हा जी सच्चाई है ना कि लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही है, जिसका जिक्र शशि थरूर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।